नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर आभा बंग सोनी। मैं डॉक्टर सागर चिद्दरवार। मैं डॉक्टर श्रीकांत निंबोरकर। मैं डॉक्टर सुलेमान विरानी। मैं डॉक्टर अभिषेक मामरडे। मैं डॉक्टर निखिल पांडे। आप सभी को मानसिक समस्याओं के बारे में पता ही होगा। जब भी आप सुनते हैं कि किसी व्यक्ति को साइकेट्री की ट्रीटमेंट चल रही है, तो मन में पहला विचार यही आता होगा कि भाई ये तो पागल हो गया है, इसका तो स्क्रू ढीला है, अभी तो इसको बिजली के शॉक देंगे, ये रस्ते पर लोगों को पत्थर मारते फिरता होगा, इससे दूर रहने में ही भलाई है, या इस पर किसी भगवान का प्रकोप है। क्यों, हम सच बोल रहे हैं ना? लेकिन क्या आपको सही में लगता है कि मानसिक समस्याएं सिर्फ यही तक सीमित है? दोस्तों, हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मानसिक समस्याएं सिर्फ आप जैसा सोचते हैं वहां तक सीमित नहीं है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है। कोविड के बाद तो ये मानसिक समस्याओं में बढ़ोतरी हो रही है। डिप्रेशन और एंजाइटी तो घर घर की कहानी बन चुकी है, आत्महत्या बढ़ रही है। जब आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है तो आप फिजिशियन के पास जाते हो, ये जितना कॉमन है उतना ही कॉमन है मानसिक बीमारियां होना। किसी को भी कभी भी किसी भी उम्र में हो सकती है। लेकिन याद रखिए, मानसिक समस्याओं से बाहर निकलना आसान है। लेकिन कैसे निकलेंगे इन मानसिक बीमारियों से बाहर? अगर आप मानसिक रोगों के बारे में सही रूप से अवगत हैं, तो आप उचित समय पर डॉक्टर के पास जा पाओगे। परंतु हमारे समाज में इन समस्याओं को लेकर कई भ्रांतियां हैं, गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत फहमियां हैं। इसके कारण लोग सही समय पर साइकेट्री से उपचार नहीं ले पाते और बीमारी की जटिलता बढ़ने पर ही डॉक्टर तक पहुँचते हैं, और कुछ केसेस में तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। दोस्तों, मानसिक बीमारियों से बाहर निकलना आसान है। मन में आने वाले आत्महत्याओं के विचार से बाहर निकलना आसान है। बस इसकी सही जानकारी हो। और हम इस YouTube चैनल के माध्यम से मानसिक समस्या और इसके उपायों के बारे में ऑथेंटिक सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही इन बीमारियों से बाहर निकलने के लिए कुछ टिप्स भी देंगे, जिससे आपको इन बीमारियों से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। हमारे इस ध्येय को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके आप अपने प्रश्न और सुझाव जरूर देते रहें। तो अब से हम हर हफ्ते एक वीडियो के साथ आएंगे और आपकी मानसिक बीमारियों से बाहर निकलने के लिए सहायता करेंगे। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, मानसिक बीमारियों से बाहर निकलना आसान है। आसान है। आसान आसान है। आसान है। आसान है। आसान है।